हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक स्कूल के लिए हम टाइम टेबल को कैसे बना सकते हैं। अब एक्चुअली टाइम टेबल को बनाने के लिए वी हैव अ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, और अदरवाइज यू कैन डिज़ाइन योर क्लास टाइम टेबल मैनुअली। इफ़ यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल मैनुअली, इट विल बी मोर फ्लैक्सिबल। इन द मैनुअली टाइम टेबल यू कैन चेंज एनीथिंग ईजली, एंड द सॉफ्टवेयर इट विल बी मोर डिफिकल्ट, आई अज्यूम दैट। तो आज हम जानेंगे कि हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम टाइम टेबल को बनाते हैं, अगर हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, और मैनुअली अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो हम उसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अब चूंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द मार्केट, डेमो एप्लीकेशन, डेमो सॉफ्टवेयर यू कैन यूज इन योर पीसी एंड यू कैन चेक ऑल द थिंग्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली हम किस तरह से टाइम टेबल को बना सकते हैं। ये टाइम टेबल आपको स्कूल के लिए और किसी कॉलेजेस के लिए दोनों के लिए सेम होगा, जिसमें पीरियड पॉलिसी है। अब देखिए, किसी भी टाइम टेबल को बनाने के लिए चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेप वन की। स्टेप वन में हमारे पास होती है पीरियड पॉलिसी। पीरियड पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि आपके किस पर्टिकुलर क्लास में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने पीरियड हैं। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये क्लास टेंथ की पीरियड पॉलिसी है, जिसमें इंग्लिश के 8 पीरियड, हिंदी के 8 पीरियड, मैथ्स के 9 पीरियड, साइंस के 9 पीरियड, सोशल साइंस के 8 पीरियड, कंप्यूटर के 3 पीरियड, आर्ट के 1 एंड गेम्स के 2। टोटल पीरियड हुआ 48, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 6, टोटल पीरियड कितना बनता है हमारा 48। यानी कि ये जो पीरियड पॉलिसी होगी हमारी कितनी होगी, 48 के हिसाब से होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला हमारा स्टेप वन है कि हमें अपने अकॉर्डिंग, देखिए ये जो पीरियड पॉलिसी है वेरी करती है, या आप मेरी अलग हो सकती है, आपकी पीरियड पॉलिसी अलग हो सकती है। हो सकता है आप इंग्लिश के 9 पीरियड रखें, हिंदी के 9 पीरियड रखें, मैथ्स के 8 पीरियड रखें, या साइंस के 8 पीरियड रखें, सोशल साइंस के 9 रखें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पीरियड पॉलिसी आप किस तरह से उसको फ्रेम कर रहे हैं। अब स्टेप टू क्या कहता है, देखिए स्टेप टू कहता है कि पीरियड अलॉटमेंट। अब आपको पीरियड का अलॉटमेंट करता है, चलिए अब इसको समझते हैं स्टेप टू में क्या है। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। अब सब कुछ कीजिए, इंग्लिश के आपके पास राहुल सर हैं, राहुल सर को आपने टेंथ में 8 पीरियड अलॉट किए, जो कि आपकी पीरियड पॉलिसी कहती है। पुनीत सर को आपने हिंदी में टेंथ क्लास में 8 पीरियड अलॉट किए हैं। सुमित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, टेंथ के 9 पीरियड उनका अलॉट है। मनोज सर साइंस पढ़ाते हैं, ये देखिए मनोज सर साइंस पढ़ाते हैं, टेंथ क्लास के 9 पीरियड उनका अलॉट है। विनय सर SST पढ़ाते हैं, टेंथ क्लास में 8 पीरियड उनका अलॉट है। कपिल सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, टेंथ क्लास में 3 पीरियड उनका अलॉट है। प्रीति मैम टेंथ में 8 पढ़ाती हैं, 1 पीरियड उनके लिए अलॉट है। सुजल सर गेम्स के टीचर हैं, टेंथ क्लास में 2 पीरियड। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड बनते हैं आपके 48। तो इस तरह से हम पीरियड का अलॉटमेंट करेंगे, यानी कि जो टीचर होगा उसको हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीरियड अलॉट कर देंगे। ये था हमारा स्टेप टू। अब आते हैं हम स्टेप थ्री पे। अब स्टेप थ्री क्या कहता है, देखिए स्टेप थ्री में ये आपके पास क्लास टाइम टेबल, और सेम ही फॉर्मेट हमें रखना है टीचर्स टाइम टेबल का, ठीक है। यानी कि हमारा स्टेप थ्री क्लास टाइम टेबल, और स्टेप नंबर फोर हमारा स्टेप फोर टीचर्स टाइम टेबल, दोनों सेम होते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं, हम देखिए क्लास टाइम टेबल क्या कहता है। देखिए इसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट्थ। इधर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हम इसका अलॉटमेंट कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब देखिए इसको, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम इसको करेंगे किस तरह से, हम आगे इसको किस तरह से करेंगे, अब उसको समझते हैं। देखिए ये हमारे पास स्टेप थ्री क्लास टाइम टेबल, ध्यान रखना है मेरी बात का, क्लास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम टीचर्स का टाइम टेबल बनाते हैं, ना कि टीचर्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास का टाइम टेबल बनाएंगे। हम क्लास के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टीचर्स का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर हम क्लास के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टीचर्स का टाइम टेबल बनाते हैं तो क्लैश नहीं आएगा, और आप अगर टीचर्स के अकॉर्डिंग क्लास का टाइम टेबल बनाते हैं तो क्लैश आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये, पहले आपको क्या करना है, क्लास के टाइम टेबल को फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर्स के टाइम टेबल को फिल करते जाना है। आपको उल्टा नहीं करना है। आप अगर पहले टीचर्स को पीरियड अलॉट करोगे उसके बाद क्लास में करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा क्लैशेज आ जाएंगे, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल में अगर क्लैश आ जाएगा तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ईजिली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर बड़ा बट वो है ना कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम इस चीज़ से बचें। इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें सबसे पहले क्लास के पीरियड को अलॉट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें टीचर्स के पीरियड को अलॉट करना है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्लास का टाइम टेबल बना के दिखाता हूँ। ये क्लास टाइम टेबल है। चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से हमें क्लास टीचर किसको बनाता है। चलिए, राहुल सर को क्लास टीचर बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये अब सबसे पहले हम क्लास पहला पीरियड इंग्लिश का रखना पड़ेगा। तो ई एन जी देन ई एन जी और ENG, टोटल नंबर ऑफ पीरियड होगा 6, 7 and 8। जो आपने यहाँ पर पीरियड रखे, आपने फर्स्ट रखा और फिफ्थ रखा। अब आपको सपोज कीजिए राहुल सर का टाइम टेबल है, तो आपको यहाँ क्या करना है, टेंथ, ठीक है। फिर फिफ्थ पीरियड पे आते हैं, टेंथ और 10th। यानी कि राहुल अब अच्छा, यही देखिए, राहुल सर को 36 पीरियड तो आप देंगे। अब जब राहुल सर को आप 36 पीरियड देंगे, तो यहाँ पर 10th की इंग्लिश भी होगी, 9th की इंग्लिश भी होगी, 8th की इंग्लिश भी होगी और 7th की इंग्लिश भी होगी, ठीक है। इस तरह से 36 देने हैं, 32 देने हैं, 33 देने हैं, 34 देने हैं, डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वो एक टीचर को कितने पीरियड अलॉट करता है। चलिए, अब जिस तरह से आप एक पीरियड अलॉट कर रहे हैं, इसलिए इसी तरह से आप बाकी क्लासेस के पीरियड भी अलॉट कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर टीचर का टाइम टेबल बन जाएगा जो आपके सामने। सपोज कीजिए राहुल सर को आपने पीरियड दिए, तो राहुल सर के 10th यहाँ पे आ गई, 9th यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे मेरा कर्सर है, 8th यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि आप पहले क्लास का टाइम टेबल को फिल करना है और उसके बाद आपको टीचर्स का टाइम टेबल फिल करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश हमने दे दिया, अब आते हैं हम साइंस पे। अब साइंस के टाइम टेबल के लिए देखिए, अब हमें यहाँ साइंस के पीरियड देना। अब सपोज करो आपको सेकंड पीरियड साइंस का देना है, तो साइंस और ये साइंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड रखने 9। अब आप कोई भी दे सकते हैं फिफ्थ, चूंकि ये रो दो पीरियड पहले से अलॉट हो चुके हैं। अब टीचर क्या करता है, टीचर ये करता है कि वो ये चाहता है कि मेरे को जो एक सीरीज में पीरियड मिले और इससे स्कूल को भी बेनिफिट है। अब देखिए, अब ऐसा तो होना ही चाहिए कि देखिए जो मेन पीरियड है वो रोजाना आपका लगना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये पीरियड आपके रोज होने चाहिए। रोज होने का मतलब ये है कि उनको एक पर्टिकुलर सीरीज में मिले, यानी कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब चूंकि इंग्लिश पूरा है, हिंदी पूरा भी है, जो पीरियड बचे अगर मैं इसको 3rd, 4th, 6th, 7th में दे दूं तो सीरीज टूटेगी। यानी कि 3rd, 4th, 6th, 7th को बाकी मैं पीरियड अलॉट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरे सीरीज में नहीं आएंगे। तो कोशिश करना है कि जो सीरीज टूटी हुई होगी, जो सीरीज हमारी कंप्लीट नहीं है, हम पहले उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने साइंस दिया, फिर साइंस दिया, तो टोटल मेरे पीरियड हो गए 9। अब मैंने ये जो पीरियड दिए हैं, मेरे को ये पीरियड जो है, अब मुझे किसको देने हैं, मेरे को सर के देना है। अब सपोज कीजिए ये जो पीरियड है ये है मेरा साइंस का पीरियड, ठीक है। 3 पीरियड हो गए, ये मैंने साइंस के अलॉट, ये अब इन ये यहां से रिमूव हो जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टीचर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब पहले जो था ये राहुल के लिए था, अब जो है हमारे ये साइंस टीचर के लिए है, क्योंकि मैंने साइंस के पीरियड दिए। अब मेरे को हिंदी के पीरियड देने हैं। अब देखिए, हिंदी के पीरियड देने के लिए हिंदी के पीरियड दे दीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ पीरियड आप अलॉट करेंगे इसमें, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीरियड आपने अलॉट किए, सपोज कीजिए आपने टोटल नंबर ऑफ पीरियड अलॉट किए हैं 8, टोटल नंबर ऑफ पीरियड आप इसमें अलॉट कर देंगे। टोटल हमारे पीरियड हो गए 6। अब लास्ट में चला आइए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, नीचे आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पीरियड खाली बचा हुआ है। तो पीरियड हमें पहले कोशिश ये करनी है कि हम पहले एक रो कंप्लीट करें, ठीक है। अब चूंकि ये हिंदी के टीचर्स का टाइम टेबल होगा, अब हिंदी के टीचर्स के टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना है, देखिए हर टीचर्स का अलग फ्रेम होगा। ये जो आपके पास सामने स्क्रीन पे है, ये हर टीचर का ये अलग होगा, हर टीचर का अलग होगा, हर क्लास का अलग होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अपन हिंदी के हमने टोटल नंबर ऑफ पीरियड 8 अलॉट कर दिया, यानी कि हमने पीरियड नंबर दिया 3 और 8। तो पीरियड नंबर 3 पे आएंगे हम, ये 10th उस पर्टिकुलर टीचर को पीरियड अलॉट किए, और ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड आप यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका हिंदी का टीचर है उसको आपने पीरियड दे दिए। तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अब आपको मैथ्स देना। मैथ्स के 9 पीरियड है, तो मैथ्स देन अगेन मैथ्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने 9, तो देन अगेन मैथ्स, ठीक है। तो ये जो पीरियड आपने अलॉट किए हैं, यही पीरियड आपको अपने मैथ्स वाले टीचर को अलॉट कर देने। ये आपका मैथ्स वाला टीचर है जिसको आपने पीरियड अलॉट किए हैं। अब देखिए, हमने इसको पीरियड दिए हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का 8th पीरियड। तो वेडनेसडे
वेडनसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे का 8 पीरियड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड मैंने कितने दे दिए इसको, 9 दे दिया। अब आपका इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, अब आपका SST बचता है, SST के नंबर ऑफ पीरियड देने 8, तो यहाँ पे आपने SST लिखा, ये SST 3, ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड 4, 5, 6, अब यहाँ पे आप दे सकते हैं 7, ठीक है, और ये नंबर ऑफ पीरियड हो गए आपके 8, ठीक है। अब ये 8 होने के बाद अब आपको, आपने कौन सा पीरियड अलॉट किया, आपने पीरियड नंबर 6 अलॉट किया है, तो 10th, 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 एक आपने पीरियड दिया है ये, और एक पीरियड दिया आपने ये, ठीक है। ये मैं एक्चुअली इसमें से डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना ये फिर 6 पेज बनाने होंगे, 6 पेज में देखिए, आप ये मान के चलिए एक पर्टिकुलर टीचर का एक पेज है, उसके टोटल नंबर ऑफ पीरियड 32 होंगे, 34 होंगे, 35 होंगे, 36 होंगे, 38 होंगे, 40 होंगे, जितने भी आपको अलॉट करना है उसको आप एक पेज के अंदर अलॉट कीजिए। छोटे छोटे बॉक्स आप पेंसिल के थ्रू अपने रजिस्टर पे बना सकते हैं या फिर एक्सेल शीट में बना के आप प्रिंट लेके उसको भी फिल कर सकते हैं, जिस तरह से आप आसानी से हैंडल कर सकें, जिस जो आपके लिए यूजफुल हो और जो आपके लिए हेक्टिक ना हो, जिसमें आप परेशानी ना हो, जो आपके लिए इजी टू यूज हो उसको आपको यूज कर। अब आगे देखिए, आपने यहाँ पर जो है SST के पीरियड अलॉट कर दिया, अब मैंने को देना है कंप्यूटर के 3 पीरियड, तो 1 comp, again comp, again comp, 3 पीरियड आपने यहाँ पे कंप्यूटर के अलॉट कर दिया। ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 7th पीरियड, ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे और थर्सडे आपके जो हैं आपने पीरियड अलॉट कर दिए, ठीक है। ये देखिए, अब आपका ये जो है कि कंप्यूटर के टीचर्स का टाइम टेबल होगा। अब एक्चुअली ये नहीं है, इसके बाद और भी कंप्यूटर के होंगे, तो सपोज कीजिए 9th तो 9th यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आप पीरियड जिस तरह से भी अलॉट करेंगे तो 9th यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 8th देना है, 8th आपको लग रहा है 5th खाली है टीचर का, तो आप उसको, अब सपोज कीजिए 7th अलॉट करना है तो 7th यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पीरियड अलॉट हो गए। अब आते हैं हम SST हो गए, कंप्यूटर हो गए, अब आते हैं हम 8 पे। अब 8 का एक पीरियड आपने अलॉट किया, अब 8 का एक पीरियड अलॉट करने के बाद अब आप इसमें आइए, आपने दिया है फ्राइडे का 7th, अब फ्राइडे के 7th में 10th का, ठीक है, तो आप वो पीरियड अलॉट कर दिया। अब दो पीरियड, अब देखिए, अब अगर आप दोनों नीचे गेम्स देंगे तो दोनों गेम्स एक साथ हो जाएंगे, तो हमें करना क्या है, 8 नीचे ले लेना है और यहाँ पे एक गेम्स दे देना है और एक गेम्स आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्लास 10th का कंप्लीट टाइम टेबल बन जाता है जो आपके स्क्रीन पे है। ये आपके टीचर्स के टाइम टेबल होंगे, जितने टीचर उतना पेज, जितना पेज यानी कि एक फॉर्मेट पर्टिकुलर आप एक टीचर के लगाएंगे और एक फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर एक क्लास के लिए होगा। फिर भी आप टाइप, आपको टाइम टेबल में कोई इशू है तो प्लीज़ राइट कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो मैंशन ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन फाइंड एंड यू कैन मेक अ कॉल इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।